तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किसी भी कार को अनलॉक कैसे करें। तो सबसे पहले आपको आपका जेड मोड ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको ये कार को किसी भी GTA 5 की मोड से डाउनलोड कर लेने हैं। और आपको रिकमेंडेड है कि कोड वेल का डाउनलोड करना है। ये कोड वेल का सिंपल वाला नहीं, जो GTA 5 की वेबसाइट पर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कार लॉक। सबसे पहले आपको जेड मोड लॉक ओपन करना है, फिर अबाउट में आना है, ये चेक कर लेना है कि आपका आ रहा है ओके। फिर ये इम्पोर्ट करना है, फिर ये लिखाएगा ग्रेफ्यू। इसके टेक्स्चर मैं लोड कर लेता हूँ। ये YTD इसके टेक्सचर है और हाई YFT इसके मॉडल है। तो ये देख लो। तो दोस्तों, ये ग्लिच इफेक्ट है। अब कार को अनलॉक कैसे करें, इसको करना है क्लोज, फिर आना है कोड वेल कर ओपन करना है आपको, RPF एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। इसको थोड़ा टाइम लग, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा लोड हो चुका है। फिर आपको जाना है मोड्स, फिर आपको यहाँ पे एडिट मोड पे रवाना है। ये पूरा सेम ओपन आईवी जैसा है। फिर आपको करना है न्यू फोल्डर में, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कार अनलॉक, ओके कर देना है। फिर उसको डबल फिर ये फोल्डर को ओपन कर लेना है। फिर वापस से न्यू RPF पे आना, इस पे मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों, इस पे मैं लिख देता हूँ कार, ये मैंने लिख दिया कार। अब ये RPF का आपको ओपन कर लेना है। फिर आपकी जो कार है, आपको वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। और ये तीनों फाइल, तो दोस्तों आपको इसे तीनों फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये जो HiFi वाली फाइल है, इसे करना है एक्सपोर्ट XML, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वापस से करना है इम्पोर्ट XML, ये रहा ओपन करना है। साइज रिड्यूस या डिक्रीज इंक्रीज दोनों से में हो सकता है। फिर अब ये वाली फाइल, इसे करना है पहले तो एक्सपोर्ट, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना ओके। फिर करना है इम्पोर्ट XML ओपन, थोड़ा टाइम लगता है। फिर ये तीनों फाइल को सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इधर, रिप्लेस पे कर देना है क्लिक, जेड मॉडलर ओपन करना है, इम्पोर्ट करना है, टेक्स्चर सिलेक्ट कर लेना है, इम्पोर्ट। स्क्रीन पे कुछ ऐसा नज़र आएगा। फिर आपको करना है L0 जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। जेड दबा के आप फुल व्यू कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, कार अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।